कुछ लोग हैं जिन पर आप करते हैं पूरा भरोसा। मेरा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, मैं ब्रह्मानंद वैद एम ए बी एड और मैं एसएस की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ 1999 में। और मैं वैसे मेरी आई साइट वैसे ठीक थी, लेकिन कुछ समय से मेरे को मोतियाबिंद था तो उसका मैंने ऑपरेशन कराया। पर मैं उसके कैटरेक्ट से पीड़ित था, मेरे को ऑपरेशन कराना था। और जब मैं क्लास करने लगा भी किस से ऑपरेशन कराया जाए, तो मुझे यहाँ कपिल आई हॉस्पिटल के बारे में पता लगा कि भाई यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी है और अच्छा वो है यहाँ अरेंजमेंट। तो मैं यहाँ आया पिछले 7 अक्टूबर की 7 तारीख को। मेरे को पता लगा, मेरे को यहाँ मैंने डॉक्टर साहब से चेक कराया, उन्होंने इसके रोबोटिक सर्जरी के बारे में मेरे से बात की और मैंने इसको चुना रोबोटिक सर्जरी को। और 7 तारीख को मेरा डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और मैंने यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट देखा मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लोग भी बड़े कोऑपरेटिव थे और स्टाफ सारा बड़ा कोऑपरेटिव था और अच्छी डीलिंग थी। तो यहाँ से मैंने 7 तारीख को मैं करा के ऑपरेशन गया था और तब से मैं नॉर्मल 7 दिन के बाद फिर मैं चेक कराने के लिए आया और यहाँ चेक करा करके उन्होंने दवाइयाँ जो सजेस्ट करी वो मैं लगातार डालता रहा और मैं बिल्कुल ठीक फील करता हूँ और मेरा जो ऑपरेशन है वो ठीक हो गया है। और आज मैं फिर आया हूँ 1 महीने के बाद वो चश्मे के बारे में, तो चश्मा मेरे को सजेस्ट कर दिया गया है तो मैं चश्मा बना रहा हूँ। और मेरे को यहाँ का वातावरण और डॉक्टर का सहयोग, डॉक्टर की डीलिंग मेरे को अच्छी लगी और मैं यही चाहूँगा कि भाई यहाँ लोग आएँ और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ। रोबोटिक सर्जरी मेरे को पसंद आई क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में ना कोई कीड़ा ना कोई टंका और ये ठीक तरह से ऑपरेशन हो गया। इसमें पेन भी मेरे कोई महसूस नहीं हुआ और बिल्कुल ऑपरेशन के बाद भी मेरे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई और मैंने अच्छा फील किया। ऑपरेशन के टाइम पे कैसा लग रहा था आपको? ऑपरेशन टाइम मेरे को अच्छा लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डर वगैरह ना, कोई डर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से मेरे को डील किया ऑपरेशन टाइम भी। कुछ लोग हैं जिन पर आप करते हैं पूरा भरोसा।